गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे बच्चों का बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए हम लोग जुड़ते हैं आज के इस क्रैश बैच में। जैसा कि हमें पता है कि क्रैश बैच के अंतर्गत हम लोगों ने सॉफ्टवेयर कंप्लीट कर लिया है, इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है और अब बारी है हार्डवेयर की, और आज कोशिश होगा कि हार्डवेयर हम कंप्लीट कर लें। तो मैं आपको ले चल रहा हूँ स्क्रीन पर जहां तक हम लोगों ने क्लास कर रखे हैं, कहां तक क्लास हो चुकी है। तो मैं आपको दिखा देना चाहूंगा कि हम लोगों ने यहां तक की क्लास कंप्लीट कर ली है, माउस तक की क्लास हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहां स्कैनर पढ़ना है ना, इस क्लास को हमने करा दिया था लास्ट टाइम। आइए अब स्कैनर के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए स्कैनर के बारे में हम लोग क्लास करने जा रहे हैं, तो इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ये मैराथन क्लास होगा और इसमें चीजों को हम लोग पढ़ते हुए चल रहे हैं। अब ध्यान देना कि यहाँ पे जब हम हार्डवेयर की बात करते हैं तो हार्डवेयर में ही, हार्डवेयर जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर में 3 से 4 नंबर की क्लासेस, 3 से 4 नंबर के मार्क्स हमें इस क्लास से गेन हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहला आप देख पा रहे हो स्कैनर है ना। स्कैनर से हम आज चालू कर रहे हैं क्लास को। तो स्कैनर में आपने कहा सर ये हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। हार्ड का मतलब समझ रहे हो, जो हमारे हाथ में होता है उसे हम लोग हार्ड कॉपी कहते हैं। अगर कोई चीज हमारे हाथ में है तो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर हाथ में है तो हार्ड होगा, पर अगर वो कंप्यूटर में है तो सॉफ्ट होगा। तो आपने कहा सर ये हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। अच्छा ये क्या होता है, ये इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस समझ रहे हो ना, इसका मतलब जो इनपुट लेने का कार्य करता है, कंप्यूटर में इनपुट को लाता है। फिर सवाल पूछा गया ये क्या होता है, तो सीयूआई होता है। सीयूआई का पूरा नाम आप जान ही रहे हो, जिसे हम लोग कहते हैं कमांड यूजर इंटरफेस, कमांड यूजर इंटरफेस कहते हैं। अच्छा स्कैनर को आकार के आधार पर, ये भी ध्यान रखना, आकार के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला स्कैनर होता है हैंड हेल्ड स्कैनर और दूसरा होता है फ्लैट बेड स्कैनर, या उसी को हम लोग फ्लैटेड स्कैनर कहते हैं। फ्लैट है ना, फ्लैटेड स्कैनर। तो स्कैनर के बारे में जब भी प्रश्न आएगा तो इतना मैटर इनफ होगा कि स्कैनर हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में, इनपुट होता है सीयूआई होता है, दो भागों में बटा होता है, एक हैंडहेल्ड होता है, एक फ्लैट बेड होता है, या उसी को हम फ्लैटेड बोल देते हैं। यहां तक कंफर्म हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होता है हैंडहेल्ड स्कैनर क्या है। तो यह आकार में देखो क्या है, छोटा है, नाम से ही पता चल रहा है हैंडहेल्ड, हाथ में पकड़ के काम करना। यह यूजर के द्वारा हाथ में वैल्यू को होल्ड करके स्कैन करता है। यह दो प्रकार का होता है, एक BCR और एक MICR। इसे आप याद रखोगे, BCR का पूरा नाम बारकोड रीडर है, MICR का पूरा नाम याद कर लो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन है। ये पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा, बोलो हो जाएगा, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, फ्लैटेड स्कैनर क्या होता है। तो जाहिर सी बात है यह आकार में बड़ा होगा, यह एक टेबल पर रखकर स्कैन करता है वैल्यू को। ये दो प्रकार का होता है, OMR और OCR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ये ध्यान रखना। तो ये दोनों पॉइंट हम लोग कवर कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। BCR क्या होता है, तो BCR स्कैनर के बारे में, यह प्रोडक्ट में प्रयोग किए गए बार कोड को स्कैन करता है। आज के समय में हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उसकी डिटेल एक बार कोड में रखी जाती है, तो बार कोड की डिटेल को एक्सेस करने का काम एक BCR नाम का स्कैनर करता है। बार कोड में अगर पेपर पूछे तो टोटल 13 करेक्टर होते हैं। यह किसी भी यूपीसी कोड को भी स्कैन करता है। अभी यूपीसी कोड नया वर्ड आ गया, यूपीसी का मतलब यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। आज के समय में हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को पूरे विश्व में उतारते हैं तो विश्व में उसकी पहचान बताने वाला यूपीसी कोड होता है। जैसे हमने कोई मोबाइल परचेज किया तो मोबाइल पूरे विश्व में मिलेगा, सैमसंग है तो भारत में भी है और भी कंट्री में है, तो उसकी पहचान क्या हो, उसकी पहचान है ना यूनिक कैसे हो, उसको डिसाइड करने वाला यूपीसी कोड होता है, और उस यूपीसी कोड को स्कैन करने का काम BCR स्कैनर करता है।
अच्छा इसका प्रयोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में किया जाता है, यह POS में यूज होता है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन में यूज होता है, यह एम्प्लॉई कार्ड को स्कैन करता है। मान लो हम विभाग में ज्वाइन हो गए तो हमको एक आई कार्ड मिलेगा, उसमें भी बारकोड पड़ा रहेगा, तो इन इन प्लेस पर हमारा BCR स्कैनर यूज होता है। आई होप एक पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। बोलो आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा फिर देखो MICR क्या कहता है, यह बैंक में प्रयोग होता है जो चेक और डिमांड ड्राफ्ट को स्कैन करता है, यह आर्म चेकिंग में प्रयोग होता है, यह ATM मशीन और ATM कार्ड में प्रयोग होता है, यह सुरक्षा के उद्देश्य में प्रयोग होता है, यह VIP ऑफिस रेलवे या एयरपोर्ट पे आपको दिखेगा। तो ये जो स्कैनर है ये प्रोटेक्शन के लिए है, सुरक्षा के लिए है, और इन तमाम प्लेस पर हमको दिखाई पड़ता है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। OMR स्कैनर क्या होता है, तो OMR थोड़ा बड़ा होगा इसलिए उसका नाम फ्लैट बेड स्कैनर है। अच्छा बड़ा होगा तो करेगा क्या, ये OMR नाम है ना, तो देखो उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में प्रयोग होता है जो किसी भी एडमिशन फॉर्म के डाटा को रीड करता है। आप अगर कहीं एडमिशन लेते हो तो एक फॉर्म हमको फिल करना पड़ता है जिसमें हम ऑब्लिक बनाते हैं, तो ऑब्लिक बनाने का काम इसका मतलब OMR स्कैनर से हम इसे करते हैं, हो जाएगा स्कैन करते हैं। OCR क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। देखो ये सामान्य उद्देश्य के कार्यों में प्रयोग होता है। सामान्य उद्देश्य का मतलब आज हम अपने मोबाइल में कैमरा रखे हैं, आज हम किसी फोटो कॉपी को करते हैं, आज हम किसी चीज को है ना, मान लीजिए इस फोटो खींचते हैं या उसका PDF बनाते हैं, तो ये सब यहाँ यूज होता है। फोटो कॉपी मशीन में प्रयोग होता है, जेरोक्स मशीन में प्रयोग होता है, मोबाइल में या कैमरा में प्रयोग होता है। तो इस तरह से कौन सा स्कैनर कहाँ प्रयोग होता है और किस कैटेगरी में है, किसके अंतर्गत आता है, ये सारा पॉइंट आपने यहाँ से देख लिया। एक नंबर का प्रश्न हमसे पेपर पूछता है, तो आई होप हम कर ले जाएंगे। बोलो हो जाएगा, कोई डाउट यहाँ, आगे बढ़ना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, तकनीकी के आधार पर है ना, टेक्नोलॉजी के आधार पर। अभी आपने कहा था साइज के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, अब तकनीकी की बात हो रही, तो टेक्नोलॉजी के आधार पर स्कैनर का जो क्लासिफिकेशन है वो दो भागों में बांटा गया। कौन से दो भाग हैं, एक मैग्नेटिक स्कैनर है और एक ऑप्टिकल स्कैनर है। मैग्नेटिक स्कैनर में MICR आता है और ऑप्टिकल में OMR, BCR और OCR आता है। तो बोलो हो जाएगा। तो एक नंबर का प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि BCR किस प्रकार का स्कैनर है, तो हम बोलेंगे सर BCR जो होता है वो ऑप्टिकल स्कैनर है। अच्छा MICR कैसा स्कैनर है, तो हम बोलेंगे सर मैग्नेटिक स्कैनर है, वो मैग्नेट के लेवल पर कार्य करता है या मैग्नेट टेक्नोलॉजी पर कार्य करता है। तो इस PPT से इतना इनफ है ना, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं ले जा रहा हूं क्योंकि एग्जाम है, बस फटाफट रिवीजन करना है, टॉपिक को कवर करना है और उसे अच्छे से समझकर रट लेना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है टच पैड। टच पैड हम जान रहे हैं, इससे भी प्रश्न बन सकता है, क्या है भैया, इनपुट डिवाइस है, क्या होता है, GUI होता है। अगर GUI है तो पॉइंटिंग डिवाइस होगा। ये टच पैड को लैपटॉप का माउस कहते हैं, हमने देखा होगा लैपटॉप में एक है ना जो माउस होता है वो उसी में इनबिल्ट होता है ना। ये टच पैड क्या होता है, इनबिल्ट होता है। इनबिल्ट का मतलब लैपटॉप में ही जुड़ा होता है, इनबिल्ट माउस है। हम लैपटॉप में अगर माउस नहीं भी लगाते हैं तो हम इसकी मदद से कार्य कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि लैपटॉप जो होता है उसको 1981 में एडम ऑक्सबर्न के द्वारा बनाया गया और उन्होंने ही टच पैड को बनाया। तो ये दो डाउट क्लियर हो गया कि लैपटॉप को भी उन्होंने ही बनाया और उन्होंने ही टच पैड को बनाया। आई होप कोई डाउट नहीं होगा। बोलिए आगे बढ़ना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम मूव करेंगे, लाइट पेन है ना, फटाफट देखते चल रहे हैं। लाइट पेन हमारा क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है, ये भी GUI होता है। अगर GUI है तो पॉइंटिंग होगा। लाइट पेन का प्रयोग डायरेक्ट CRT मॉनिटर पर किया जाता है। इसका मतलब अगर हमें याद होगा तो हम CRT मॉनिटर पर डायरेक्ट लिख देते हैं। जैसे इस समय देखो इस मॉनिटर पर हम लिख रहे हैं, ये कौन सा मॉनिटर है, LED, और LED पे हम किससे लिख रहे हैं, तो आप बोलोगे सर स्टाइलस से लिख रहे हैं। तो इसी तरीके से जब पहले मॉनिटर CRT चलता था
तो उस पे हम लोग लाइट पेन से लिखते थे, और लाइट पेन अभी समय प्रयोग में नहीं है, डेड है, ठीक है। तो ध्यान रखना, पहले चलता था, अब टेक्नोलॉजी के यूज में नहीं है, ओल्ड टेक्नोलॉजी है। अच्छा क्यों? क्योंकि गति में स्लो होता था, इनपुट को लेने में बड़ा डिले करता था, बहुत समय लगता था। अगर मैं याद दिलाना चाहूं तो अभी भी आप अगर है ना डीएल बनवाने जाते हैं तो डीएल का मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में ये आप डिवाइस आपको देखने को मिल जाएगा। सीआरटी बड़ा मॉनिटर होगा और एक पैड पे हम साइन करेंगे तो वो वैल्यू उसमें एंटर कर जाएगा। आज से कई साल पहले, लगभग 300 साल पहले, जब क्रिकेट मैच होते थे तो वहां सीआरटी मॉनिटर का प्रयोग होता था, उसमें एडवर्टीजमेंट को एंटर कराना और एडवर्टीजमेंट को बाहर निकालना, ये होता था सीआरटी मॉनिटर और साथ में लाइट पेन का वर्क। तो अभी फिलहाल इतना जानो कि जो लाइट पेन है इनपुट डिवाइस है, जीयूआई है, और अगर जीयूआई है तो पॉइंटिंग होगा, और पॉइंटिंग है तो ये डायरेक्ट सीआरटी मॉनिटर पर ही कार्य करता है और आधुनिक समय में प्रयोग में नहीं है। तो इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए, बहुत सिंपल सरल बहुत अच्छे पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एज इट इज आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेबकैम क्या है। तो वेबकैम हम लोग जान रहे हैं, अब कैमरा है ना, कैम का मतलब कैमरा, कैम का मतलब होता है कैमरा, और वेब का मतलब है वेब, वेब को हम लोग कहते हैं जाल, और जाल कैसा जाल, हम कहते हैं ना कि इंटरनेट, हम ऐसे कह सकते हैं इंटरनेट का कैमरा, इंटरनेट का कैमरा कौन है, वेबकैम। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि लाइट पेन क्या है, तो हम जवाब देंगे सर लाइट पेन, हमने बता दिया कि हाँ आप सिग्नेचर करते हो, पर अगर हम बात करें कि सर अब हम वेबकैम पढ़ रहे हैं तो वेबकैम क्या है, तो वेबकैम एक कैमरा है जो इंटरनेट पर है, हमें इंटरनेट पर ले जाएगा, ठीक है। तभी तो मोबाइल में फ्रंट कैमरा देखा होता है, तो फ्रंट कैमरा का यूज वेबकैम के तौर पर हम कर लेते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये इनपुट डिवाइस है, ये सीयूआई होगा, वेबकैम में जो वेब शब्द है इसे डब्ल्यू के तीसरे डब्ल्यू से, अब इसका पूरा नाम जान ही रहे हो, देखो वर्ल्ड वाइड वेब, तो आप देख रहे हो इसके तीसरे है ना डब्ल्यू से, इसका मतलब है लिया गया है। वेबकैम का प्रयोग इंटरनेट पर वीडियो कॉन्फ्रेंस में किया जाता है, जब हम अपनी फोटो या अपने वीडियो को इंटरनेट पर ले जाते हैं तो वेब कैम के माध्यम से ही हम आगे मूव करते हैं। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, तो इसमें बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इंटरनेट पर प्रयोग होने वाला कैमरा वेब कैम है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं, ये www के तीसरे w से लिया गया है, ये इनपुट डिवाइस है, सीयूआई डिवाइस है, इंटरनेट का कैमरा कहलाता है। बोलो आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमरा क्या है। अब वेबकैम तो हमने पढ़ लिया, अब कैमरा, ये जो कैमरा हम देखते हैं मोबाइल में है ना, ये मोबाइल में फ्रंट नहीं बैक कैमरा, जिसे हम बोलते हैं रियर कैमरा। तो आपने कहा सर ये इनपुट डिवाइस होता है, सीयूआई होता है, इस कैमरे का प्रयोग कंप्यूटर में सीसीटीवी में, हम आज देख रहे हैं सीसीटीवी हर जगह पे है, किसी भी ऑफिस में है, किसी भी घर में है, किसी भी बिजनेस में है, किसी भी स्कूल में है, कॉलेज में है, शॉप में है, मॉल में है, इसका मतलब सीसीटीवी कैमरा हमारे चारों तरफ है। तो पूछा गया ये कैमरा क्या होता है, कंप्यूटर में सीसीटीवी में प्रयोग किया जाता है, सीसीटीवी का पूरा नाम हमें पता होना चाहिए, एक नंबर का प्रश्न है, क्लोज सर्किट टेलीविजन। सीसीटीवी में जो डाटा का भंडारण होता है वो डीवीआर में होता है, डीवीआर एक डिवाइस होती है जिसे हम बोलते हैं डेली वीडियो रिकॉर्डर, अच्छा डेली वीडियो रिकॉर्डर, अच्छा होता है डीवीआर के अंदर, एचडीडी का प्रयोग किया जाता है और एचडीडी की क्षमता ज्यादा होती है टीवी में होती है। तो इसमें बहुत ज्यादा पैनिक, बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, कैमरा सिंपल वर्ड आए कैमरा, तो इनपुट डिवाइस है, अच्छा इसका प्रयोग क्या होता है सीसीटीवी में होता है, और ये सीयूआई होता है, सीसीटीवी का पूरा नाम हमने बता दिया, सीसीटीवी का डाटा डीवीआर में स्टोर होता है, डीवीआर एक तरह का डिवाइस है, डीवीआर के अंदर हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क काफी बड़ा होता है, क्यों, क्योंकि कैमरे की रिकॉर्डिंग दिन भर चलती है, पूरे दिन चलती है, तो ज्यादा डाटा होने की वजह से उसे हम टीवी में लेते हैं। आगे बढ़े, चलो टाइप ऑफ कैमरा, छोटा सा नॉलेज एग्जाम के लिए, मान लो पेपर पूछे तो आप क्या बताओगे, टाइप ऑफ कैमरा है ना, कैमरा का प्रकार। तो आधुनिक समय में निम्नलिखित प्रकार के कैमरा उपलब्ध है, जिसमें पहला एसएलआर है, दूसरा डीएलएसआर है, तीसरा स्टिल है, चौथा मिररलेस कैमरा है। ये क्या होता है इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस सुन लेना है, मैं थोड़ी सी बातें इनके बारे में बता रहा हूँ जो आपके नॉलेज में हो जाएगा। अब जैसे हम आपको लाइव पढ़ा रहे हैं तो हम जिस कैमरे से पढ़ा रहे हैं वो आपका स्टिल कैमरा है ना, ये स्टिल कैमरा है, स्टिल कैमरा का मतलब छोटा कैमरा है, और जो मिररलेस होगा वो हल्का कैमरा होगा, हल्का है ना, ये सब सेंसर के आधार पर काम करते हैं सेंसर,
और सबसे महंगा इनका सेंसर ही होता है ना, सेंसर की वजह से महंगा होते हैं। सिंगल लेंस रिफ्लेक्शन है, डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्शन है, तो एक नंबर में फुल फॉर्म याद कर लो। और कैमरे की टाइप होते हैं, एसएलआर क्या है, डीएसएलआर क्या है, स्टिल कैमरा क्या है, मिररलेस कैमरा क्या है, तो टेक्नोलॉजी है कि क्लियरिटी हो, लॉन्ग लास्टिंग चले, है ना, उसमें वीडियो भी बना लो, फोटो भी बना लो। अब जैसे एसएलआर देखो केवल फोटो, ओनली फोटो के लिए एक केवल फोटो चलेगा। डीएसएलआर देखो 30 मिनट रिकॉर्डिंग है, 30 मिनट का वीडियो बनेगा एक बार में, वीडियो वन टाइम। और जो स्टिल कैमरा होता है ये आपका है ना लॉन्ग रिकॉर्डिंग है, लॉन्ग रिकॉर्डिंग है। मिररलेस भी सेम है, तो ये थोड़ा सा मैंने डिफरेंस बता दिया है। बाकी एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं पूछता है, आप इजीली इसे तैयार कर सकते हो। नए क्वेश्चन, टाइप ऑफ कैमरा देखो क्या कह रहा है। आधुनिक समय में निम्नलिखित प्रकार के कैमरा सीसीटीवी में है ना, सीसीटीवी में जो हम लगाते हैं तो कौन सा कैमरा लगता है, ध्यान रखना। जब आप सीसीटीवी में लगाते हो तो सीसीटीवी में एक कैमरा आता है डोम कैमरा, एक आता है आईआर कैमरा, एक आता है बुलेट कैमरा, एक 360 डिग्री कैमरा। अब देखो डोम एक बहुत सस्ता कैमरा, अच्छा आईआर देखो नाइट कैमरा, जिसे हम लोग नाइट कहते हैं, नाइट कैमरा। और यहीं पे बुलेट जो कैमरा होता है हाई सिक्योरिटी है, हाई सिक्योरिटी। और जो आपका 360 डिफेंस कैमरा बोला जाता है, डिफेंस। तो ये सबके अलग अलग प्राइस होते हैं, अलग अलग इनके फीचर्स होते हैं, तो हमारे एग्जाम में इतना नहीं पूछेगा। बस एक नॉलेज होना चाहिए कि डोम क्या है, डोम एक कैमरा है, आईआर एक कैमरा है, बुलेट से एक कैमरा है, 360 एक कैमरा है, और एक कैमरा इनपुट डिवाइस है, और इस वजह से सीयूआई है। बस इतना नॉलेज हो तो बहुत है, इनफ है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टाइप ऑफ कैमरा थोड़ा सा हम लोग और देख रहे हैं, एक मोबाइल के लिए है ना, मोबाइल। तो आपने कहा निम्नलिखित प्रकार के मोबाइल कैमरा आते हैं, वीजीए एक पहले चलता था, वीजीए ये सबसे हम कह सकते हैं लो लो पिक्चर के लिए होता है वीजीए। इसका पूरा नाम है वीडियो ग्राफिक्स एरे। डिजिटल कैमरा मिड, अच्छा पिक्चर आता है, मिड आता है। आजकल के समय पिक्सल कैमरा चल रहे हैं हाई, तो हाई होता है। तो मोबाइल में इस तरह के है ना फीचर्स हम देख पा रहे हैं। पहले मोबाइल में वीजीए कैमरा आता था, फिर उसे डिजिटल में कन्वर्ट किया गया, आज हम लोगों के कैमरे पिक्सल में आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने नॉलेज दे दिया कि मोबाइल में वीजीए है, डिजिटल है, पिक्सल है। वहीं पे अगर हम लोग बात कर लें, आपने कहा वहीं अगर हम बात कर लें तो सीसीटीवी में डोम है, आईआर है, बुलेट है, 360 है। अगर हम वहीं बात कर लें कंप्यूटर में, तो आप बोलोगे सर कंप्यूटर में, सॉरी जो रिकॉर्डिंग वाले हैं उसमें एसएलआर है, डीएसएलआर है, स्टिल है, मिररलेस है, जो आजकल हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। तो इस तरह से मैंने एक नॉलेज आपको दिया कि कैमरे में भी वेरिएंट है, कैमरे में भी प्रकार है। तो बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, थोड़ा सा नॉलेज गेन करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ट्रैक बॉल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ट्रैक बॉल क्या है, ध्यान रखना। ट्रैक बॉल किसे कहते हैं, आप बोलोगे सर इनपुट डिवाइस है, जीयूआई डिवाइस होता है, पॉइंटिंग डिवाइस होता है, इसका प्रयोग गेम खेलने में किया जाता है, ये मोबाइल में सर्वाधिक प्रयोग होता है। मोबाइल का नेविगेशन जो बटन होता है वो ट्रैक बॉल का होता है, नेविगेशन मतलब जो बीच वाली बटन है इस तरह से। अच्छा, ट्रैक बॉल का प्रयोग आसान होता है, थोड़ा सा सरल होता है। तो जब भी ट्रैक बॉल से प्रश्न पूछेगा तो इस तरीके से हम बता सकते हैं, इनपुट डिवाइस है, जीयूआई डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है, गेम खेलने में इसका प्रयोग होता है, मोबाइल में सर्वाधिक प्रयोग है, नेविगेशन बटन ट्रैक बॉल का बना होता है, और साथ में ट्रैक बॉल प्रयोग में थोड़ा सा आसान है। बोलो कंफर्म है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जॉयस्टिक क्या है, है ना, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक हम बोलेंगे सर ये इनपुट डिवाइस है, जीयूआई डिवाइस होता है, पॉइंटिंग डिवाइस होता है, ये भी गेम खेलने में प्रयोग होता है, इसमें एक हैंडल होता है इस तरह से, है ना, इस तरह से एक हैंडल होगा और हम इस हैंडल की मदद से इसको ऑपरेट करते हैं। अच्छा, ये मूवमेंट पर कार्य करता है, जैसे जैसे हैंडल मूव करेंगे, लीवर, इसे हम लोग बोलते हैं लीवर, एक तरह का लीवर है। अच्छा, उसी के हिसाब से मूव करेगा। अच्छा, इस डिवाइस का प्रयोग टेलीविजन में ज्यादा होता है या तो वीडियो गेम में हम लोग करते हैं, थोड़ा सा प्रयोग में कठिन होगा, है ना, इसके लीवर पे कमांड होना चाहिए, आप अच्छे से मूव कर लोगे। ये बच्चे वगैरह गेम खेलने में जॉयस्टिक का यूज करते हैं। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा।
आगे बढ़ते हैं, स्टाइलस, डिजिटाइजर और टैबलेट, है ना। यहां से एक प्रश्न बनता है, एक नंबर के लिए एक पॉइंट पूछा जाता है। अब देखो ये तीनों को हमने साथ में समझाया, क्योंकि तीनों का रिलेशन एक दूसरे से है, तीनों का आपस में एक जैसा बिहेवियर है। ये तीनों इनपुट डिवाइस है, पहला पॉइंट, एक जीयूआई डिवाइस है, दूसरा पॉइंट, एक पॉइंटिंग डिवाइस है, तीसरा पॉइंट, एक ग्राफिक्स डिवाइस है, ये पेपर पूछता है। ग्राफिक्स का मतलब इनके द्वारा हम इमेज का निर्माण करते हैं, तो जिनका प्रयोग इमेज या पिक्चर के निर्माण में होता है। अच्छा, ये सभी डिवाइस स्मार्ट क्लास में और सेमिनार में या किसी दीक्षांत समारोह में प्रयोग होते हैं। इस समय जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, देखो स्टाइलस से है, इसी तरीके से आपका टैबलेट भी होता है, जिसे हम ग्राफिक्स टैबलेट, देखे होगी आपने कभी कभी, कोई टीचर बैठ के पढ़ाता है तो ग्राफिक्स टीचर हो, ग्राफिक्स टैबलेट होता है। या इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि डिजिटाइजर भी एक है ना डिवाइस है, जिससे हम चीजों को क्रिएट करते हैं। जैसे आजकल ऑनलाइन हम लोग कपड़ों को डिजाइन करते हैं, बाइक को डिजाइन करते हैं, या है ना ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में काम करते हैं, तो डिजिटाइजर के थ्रू। तो इसमें बहुत डेप्थ मत जाओ, बस इतना ध्यान रखना है कि तीनों क्या होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, इमेज या पिक्चर के निर्माण में इनका प्रयोग होता है। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे एक वर्ड और अच्छा बताया गया कि ग्राफिक्स डिवाइस यहाँ काम होते हैं, कैड कैम। कैड कैम एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम देख पा रहे हैं, कैड का पूरा नाम है कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कैम का पूरा नाम है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है, जैसे आज ऑटोमोबाइल का क्षेत्र है, जैसे आज हम देख पा रहे हैं कपड़ों का क्षेत्र है, क्लॉथेस, इन सब फील्ड में हम लोग कैम का यूज करते हैं। और बाकी अगर हम बात करें तो कैड का यूज होता है, तो कैड कैम में दोनों प्रयोग होते हैं। आगे बढ़ना चाहिए, चलो आईओ डिवाइस क्या होता है, ये भी अच्छा प्रश्न है। आईओ का मतलब होता है इनपुट आउटपुट बोथ, है ना, आईओ का मतलब होता है इनपुट आउटपुट बोथ। अब इनपुट आउटपुट बोथ का मतलब देखो, यह डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों कार्यों को करता है। आईओ डिवाइस की टोटल संख्या चार होता है, जिसमें मॉडम, टच स्क्रीन, फैक्स मशीन, डिजिटल कैमरा आते हैं, ठीक है। अब सवाल देखो क्या बनता है, ध्यान से समझना, ये चार ही डिवाइस हैं जो यहाँ पे बिलोंग करते हैं, यहाँ पर आते हैं, क्लियर हो गया। अब कौन से चार, मॉडम है, टच स्क्रीन है, फैक्स मशीन है, डिजिटल कैमरा है। आगे बढ़ना चाहिए, पांचवा कोई नहीं है। तो एक प्रश्न जब भी पूछेगा आईओ डिवाइस कितने होते हैं, तो चार होते हैं, हो जाएगा। चल अब आउटपुट डिवाइस में आ जाओ, हमने आउटपुट डिवाइस जब पढ़ाया था तो उसमें छह डिवाइस के नाम लिखे थे, जिस छह डिवाइस में पहला डिवाइस हम पढ़ने जा रहे हैं मॉनिटर को। तो पहला डिवाइस हम क्या पढ़ेंगे, मॉनिटर, ठीक है, पहला डिवाइस हमारा होगा मॉनिटर। चलिए मॉनिटर के बारे में पढ़ते हैं। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है, एक सॉफ्ट कॉपी को डिस्प्ले करता है, जैसे इस समय हम देख पा रहे हैं सॉफ्ट कॉपी हमको दिखाई पड़ता है। ये पांच प्रकार के होते हैं, पांचों के नाम देखो, सीआरटी, एलसीडी, टीएफटी, एलईडी, ओएलईडी, है ना। अब इनके पूरा नाम देखो, कैथोड रे ट्यूब, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, लाइट एमिटिंग डायोड, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये नाम याद होना चाहिए, एक नंबर का प्रश्न बन सकता है। अब एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे, बहुत डेप्थ में नहीं, बस सुनते चलना है। अच्छा, सीआरटी देखो, ये बहुत पुराना मॉनिटर है ना, ये आकार में बड़ा था। अच्छा, इसमें पावर कंजम्पशन ज्यादा होता था, ये वैक्यूम ट्यूब पे काम करता था, एक दो नहीं 18,000 वैक्यूम ट्यूब। अब जरा सोचो कितना है ना, शुरुआत में कितने बड़े कंप्यूटर आए, अभी प्रयोग में नहीं है, इसे हम लोग डेड कहते हैं। तो सब मिला के इतना पॉइंट हमने कहां से सीखा, सीआरटी से। तो सीआरटी से इतना पॉइंट इनफ है ना, वही पॉइंट्स जो आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम में हमें मिलते हैं या हमसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीडी देखो, एलसीडी का नाम ही है लिक्विड, है ना, लिक्विड का मतलब तरलता, तरलता प्लेट पर कार्य करता है, इमेज का निर्माण अलग अलग भागों पर करके केंद्र में जोड़ता है। जैसे मान लो मॉनिटर है, तो यहाँ इमेज, यहाँ इमेज, यहाँ इमेज ऐसे बनेगा, पर इनको सेंटर में जोड़ा जाएगा, तभी इमेज आपका डिस्प्ले होगा। तो आपने कहा यह इमेज का निर्माण अलग अलग भागों में कर उसे केंद्र में जोड़ता है,
इमेज के निर्माण में क्लस्टर का प्रयोग करता है, छोटे छोटे टुकड़ों का। अगर स्क्रीन इसमें ब्रेक हो गई तो इमेज का निर्माण नहीं होगा और रिपेयरिंग मेंटेनेंस काफी खर्चीला होगा, इसलिए फ्लॉप है। आपने देखा होगा हम अपने मोबाइल को ऐसे प्रेस करते हैं तो ऐसे ही लगता है कि उसके अंदर पानी है, लिक्विड है, और वही एलसीडी मॉनिटर है। अच्छा, इसमें होगा क्या, अगर कहीं मॉनिटर ब्रेक हो गया तो फिर इमेज नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उसकी तरलता प्लेट डैमेज हो जाएगी, और तरलता प्लेट डैमेज होगा तो केंद्र में कनेक्शन इसका टूट जाएगा, और जब कनेक्शन टूट जाएगा तो हमारा इमेज नहीं बनेगा। ध्यान रखना, इसे इसको महंगा कहा जाता है, खर्चीला कहा जाता है, इसे सक्सेस नहीं हो पाया या इसे बदलना पड़ा। अब आता है टीएफटी, जिसे हम लोग कहते हैं थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। थिन का मतलब पतला, यहाँ थिन का मतलब क्या है, पतला। अब देखो बोला गया यह ट्रांजिस्टर डिवाइस पर बन गया। अब ट्रांजिस्टर हो गया तो हल्का भी हो गया और छोटा भी हो गया। इमेज का निर्माण अलग अलग स्लॉट पर करता है। इस मॉनिटर के ब्रेकिंग होने के बाद भी इमेज बना रहता है। जैसे मान लो हमारा ये मॉनिटर है और यहाँ कुछ टूट गया तो इधर इमेज आपका दिखाई पड़ेगा। अच्छा, इसका प्रयोग आधुनिक कंप्यूटर में, माइक्रो कंप्यूटर में किया जा रहा है। इसका मतलब ये आज अभी रनिंग में है। तो हमारे मैक्सिमम मॉनिटर टीएफटी होते हैं क्योंकि ये ज्यादा खर्चीला भी नहीं होता है और इमेज के ब्रेक होने पर भी, मॉनिटर के ब्रेक होने पर भी इमेज क्रिएट होता है और दिखता भी है। जिस एरिया में आपका स्क्रीन डैमेज होगा वहां इमेज नहीं दिखेगा, बाकी और प्लेस पर हमारे इमेज प्रदर्शित होंगे। कन्फर्म हो गया। एलईडी क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड। देखो ये डायोड डिवाइस पर कार्य करता है। ये रनिंग मॉनिटर है। ये मॉनिटर को प्लाज्मा कहते हैं क्योंकि इसकी क्लियरिटी बहुत अच्छी होती है, इस सभी में बेस्ट होता है। तो इतने प्रश्न यहाँ से याद रख लेना, क्या भैया, कि ये आपका लेटेस्ट, ये आपका रनिंग है, ये प्लाज्मा कहलाता है, इमेज क्लियरिटी बेहतर होता है, सभी में बेस्ट होता है। कन्फर्म, आगे बढ़ते हैं। ओएलईडी देखो ये सबसे महंगा होता है, इसे लेटेस्ट मॉनिटर कहते हैं। एक कर्व पर कार्य करता है। कर्व का मतलब होता है डिस्टेंस को परिभाषित करता है। प्रत्येक मॉनिटर का एक दक्षता निर्धारित होता है। इसका मतलब ऐसे समझो, ये मॉनिटर जैसे है तो देखो कर्व पे काम करेगा इस तरह से। अब इसमें देखो कोई यहाँ बैठा है तो इसकी विजिबिलिटी यहाँ होगी, कोई यहाँ बैठा है तो इसकी विजिबिलिटी पता लगा यहाँ होगी, अगर कोई है ना यहाँ बैठा है उसको यहाँ। इसका मतलब डिस्टेंस पर काम करता है। डिस्टेंस का मतलब ऐसे समझो, जैसे कह दिया गया 20 मीटर के अंदर जितने भी लोग आएंगे उनको विजिबल अच्छा होगा, तो ये एक डिस्टेंस हो गया, कर्व हो गया। पर जैसे 20 मीटर से आप बाहर जाओगे आपकी विजिबिलिटी खराब हो जाएगी। तो इसका एक कर्व है कि इतने कर्व पर वो स्क्रीन पर अच्छे से इमेज क्रिएट करेगा, डिस्प्ले करेगा। तो बहुत ज्यादा इसमें परेशान नहीं होना, बस पेपर में तीन प्रश्न होता है। सबसे महंगा ओएलईडी है, ये लेटेस्ट मॉनिटर है, एक कर्व टेक्नोलॉजी पे कार्य करता है, कर्व डिस्टेंस को परिभाषित करता है, प्रत्येक मॉनिटर की एक दक्षता होती है। अगर आप है ना ज्यादा अच्छा लेना चाहते हो तो हैवी अमाउंट देना पड़ेगा, महंगा लेना पड़ेगा, बस इसमें इतना ही है। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा नोट्स है जो हमारे पेपर में पूछा जाता है। फुल फॉर्म बताइए, तो जब भी वीडियो बोलेगा तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट हम बोलेंगे, VDT बोलेगा तो विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल बोलेंगे, VGA बोलेगा तो वीडियो ग्राफिक्स एरे बोला जाएगा, या वीडियो VDT दोनों मॉनिटर होते हैं, इन दोनों को हम लोग मॉनिटर कहते हैं, और VGA को हम लोग कैमरा कहते हैं। ये आपका कैमरा, जब कैमरा होगा तो यहाँ वीडियो होगा, वीडियो हम इसे विजुअल ना करें, और इन दोनों प्लेस पे विजुअल होगा। तो थोड़ा सा इसमें है ना नॉलेज होना चाहिए, कभी कभी पेपर हमें कंफ्यूज करता है, तो इस तरीके से हम उसके ऑप्शंस को छाट पाएंगे, कर पाएंगे। आई होप डाउट क्लियर हो गया। अब आते हैं प्रिंटर पर, नेक्स्ट होगा प्रिंटर। एक नंबर के लिए पेपर में जरूर पूछा जाता है प्रिंटर, 1 मार्क्स। प्रिंटर के प्रश्न को देख लो, ये वर्किंग टेक्नोलॉजी के आधार पर प्रिंटर को 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है इम्पैक्ट, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट। जो इम्पैक्ट प्रिंटर होगा वो नॉइस करेगा, शोर करेगा, और जो नॉन इम्पैक्ट होगा वो देखो क्या होगा, नॉइस लेस होगा। इसे हम लोग नॉइस लेस कहते हैं, जिसे शोर मुक्त कहा गया। इसमें शोर नहीं होगा, शोर मुक्त होगा। कंफर्म, नॉइस क्यों होता है, आवाज क्यों करता है, ध्यान से सुनना, आवाज करने के पीछे कारण क्या है। यह पेपर पर करेक्टर को छापने के लिए रिबन पर हेड को हिट करता है। अब देखो ये वर्ड पढ़ो, यह पेपर पर करेक्टर को छापने के लिए रिबन पर हेड को हिट करता, हिट का मतलब प्रहार करता,
तो जब आप हिट करोगे, जैसे मान लो ये कोई रिबन है ना, ये कोई रिबन है और ये हेड है, जब इस पे हिट होगा, ऐसे हिट होगा तो आवाज आएगी, जैसे हम कचहरी का टाइपराइटर देखते हैं, जैसे सो है ना, टाइपिस्ट अपना उंगली चलाता है रफ्तार से, उसका हेड रफ्तार से दौड़ता है और रिबन पर हिट होता है, पेपर पे वैल्यू को छापता है, तो इसमें आवाज आएगी। अच्छा, फिर यह प्रिंटर के समय देखो आवाज आएगा, कारण यही है। आपसे ने कहा कि नॉन इम्पैक्ट, यह पेपर पर करेक्टर को प्रेस करके छापता है, मतलब हिट नहीं, प्रेस दबा के। अच्छा, यह प्रिंटिंग के समय आवाज उत्पन्न नहीं करता, दोनों में अंतर समझ में आ गया, आगे बढ़ना चाहिए। अब सवाल बनता है कि साइज के आधार पर इम्पैक्ट प्रिंटर तीन प्रकार के हैं, एक डेजी व्हील, एक डॉट मैट्रिक्स, एक लाइन। इसे याद कर लो, लाइन तीन होते हैं, ड्रम, चैन और बेड। अगर प्रश्न पूछ ले कि डेजी व्हील किस प्रकार का प्रिंटर है, तो हम बोलेंगे सर इम्पैक्ट है ना, डॉट इम्पैक्ट है, लाइन इम्पैक्ट है, लाइन में तीन है, ड्रम, चैन, बैंड, तो ये हो जाएगा, बहुत सिंपल है, इसे आइडेंटिफाई कर लो, कंफर्म। तो इम्पैक्ट तीन प्रकार के होते हैं, एक डॉट हो गया, एक डेजी, एक लाइन, और ये जो लाइन है, लाइन तीन प्रकार का। चलो आगे बढ़े, कोई डाउट यहां तक? अब देखो प्रिंटर में ये थोड़ा सा चीजें हैं, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होता है, जीयूआई होता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड बदलता है, कंट्रोल पी प्रिंट होता है, कंट्रोल एफ टू प्रिंट प्रीव्यू होता है। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, जो मैंने आपको पीछे पढ़ा दिए। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो नॉन इम्पैक्ट, आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर तीन प्रकार के होते हैं, एक आपका इंकजेट होता है, लेजर होता है, और थर्मल होता है। तो आपने देखा इंकजेट, लेजर और थर्मल, इंकजेट, लेजर और थर्मल। तो आपने टोटल कितने प्रिंटर पढ़े? तो हमने 9 प्रिंटर पढ़े, एक इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट दो, इम्पैक्ट में आपके तीन, डेजी, डॉट और लाइन, लाइन में तीन, कौन से तीन है भैया? ड्रम, बैंड, चैन। नॉन इम्पैक्ट में तीन, इंकजेट, लेजर, थर्मल। हो जाएगा इतना, आइडेंटिफाई कर लोगे। तो इस तरह से अगर कोई प्रश्न आता है तो आप बहुत आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। अगर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है तो आप उसे अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। आगे पढ़ते हैं, अब डेजी व्हील के बारे में हम पढ़ेंगे, डेजी व्हील प्रिंटर क्या होता है, तो ध्यान देना। चलिए डेजी व्हील प्रिंटर के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो डेजी व्हील प्रिंटर किसे कहते हैं, तो हम बताएंगे यह प्रिंटर आकार में सबसे बड़ा होता है। ध्यान रखना, अब ये बंद हो गया है, एक डेड प्रिंटर है, एक ठोस मुद्रा अक्षर वाला इम्पैक्ट होता है। ठोस मुद्रा का मतलब है ना, उसमें हेड पे वैल्यू छपी होती है, जैसे स्टैंप होता है, आप स्टैंप देखते हैं, स्टैंप में देखो उभार होता है, तो उसी उभार को कहा गया ठोस मुद्रा अक्षर वाला इम्पैक्ट प्रिंटर। इसका नाम इसलिए डेजी व्हील रखा गया क्योंकि इसमें जो प्रिंट हेड है उसकी आकृति गुलबहार पुष्प के जैसे होता है, डेजी, डेजी का मतलब गुलबहार पुष्प, और इस प्रिंटर के प्रिंटर हेड में चक्र होता है, जैसे प्रिंटर हेड है इसमें एक चक्र होगा, ऐसे चक्र है ना, और चक्र में तीली होंगी, तीली के बीच में स्पोक होगा और उस स्पोक में वैल्यू लिखी जाएंगे। तो आपने कहा है कि इस प्रिंटर के प्रिंट हेड में चक्र होता है, हो गया चक्र। अच्छा आगे बढ़ेंगे, इसके प्रत्येक तान में एक करेक्टर होता है, जैसे मान लो चक्र है तो इस चक्र के देखो ये तान है, इसे हम लोग तान बोलते हैं, इसके तान में करेक्टर होगा ए बी सी डी, ऐसे एक करेक्टर का ठोस फॉन्ट उभरा होता है जो कागज की हॉरिजॉन्टल दिशा में गति करता है, हॉरिजॉन्टल है ना, ऐसे पेपर के ऊपर हॉरिजॉन्टल दिशा में गति करता, और एक छोटा हैमर स्पोक और रिबन और कागज पर टकराता है जिससे अच्छा कागज पर छप जाता है, पर एक गति में धीमा होता है। तो इतने पॉइंट्स हमने पढ़ा है किससे, डेजी व्हील से। देखो क्या क्या पढ़े मैं बता दे रहा हूँ, डेजी व्हील प्रिंटर बहुत बड़ा होता है, प्रयोग में बंद है, डेड है, इसमें अक्षर उभरे हुए होते हैं, इसके इसका नाम डेजी व्हील इसलिए पड़ा क्योंकि प्रिंट हेड एक गुलबहार पौधे है ना, लिखा गया गुलबहार पुष्प के जैसा होता है, और इसके प्रिंट हेड में एक चक्र होता है, चक्र में स्पोक होते हैं और स्पोक के अंदर करेक्टर होते हैं, आपका जो चक्र होता है वो पेपर के क्षैतिज है ना ऐसे नाचता है, और हैमर आके हिट मारता, हिट मार के वैल्यू को छाप देता है, पर शायद इसकी गति सबसे धीमी होती है और इस वजह से प्रयोग में नहीं है। कंफर्म हो गया, आगे बढ़ना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है, ध्यान देना। डॉट मैट्रिक्स, आप बोलोगे सर यह प्रिंटर गवर्नमेंट ऑफिस में प्रयोग होता है, बैंक में प्रयोग होता है, रेलवे में, पोस्ट ऑफिस में, हॉस्पिटल में, यह प्रिंटर लागत में सस्ता होता है, इस प्रिंटर के प्रिंट हेड पर मैट्रिक्स को रखा गया है, इस प्रिंटर का प्रिंट हेड पर धातु पिन की मैट्रिक्स होती, मैट्रिक्स को हम लोग आव्यूह कहते हैं,
हमने मैथ में पढ़ा अवयव, मैट्रिक्स का मतलब ये ऐसे, ठीक है, ये धातु के पिन होते हैं। देखो ये धातु के पिन जो मैंने बनाया, तो आपने कहा धातु का पिन होता है, फिर से समझना, ये प्रिंटर जो होता है डॉट मैट्रिक्स है ना, ये गवर्नमेंट के प्रयोग में है। अब गवर्नमेंट का मतलब कहाँ कहाँ हम देख सकते हैं, बैंक में, रेलवे में, पोस्ट ऑफिस में, हॉस्पिटल में, ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। इस प्रिंटर गवर्नमेंट में क्यों है, क्योंकि ये सस्ता है, लागत कम होगा। अच्छा, यह प्रिंटर प्रिंट हेड पर मैट्रिक्स को रखेगा अवयव को, और इसके प्रिंट हेड में धातु के पिन होते हैं। इतना नॉलेज हो गया, आगे बढ़े, धातु का पिन यहाँ होता है। अब सवाल बनता है कि जो धातु के पिन होते हैं, देखो आपने लिखा है कि जो इंक होगा, इंक से लतपथ रिबन कागज और प्रिंट हेड के द्वारा अक्षर को छापेगा, है ना। प्रिंटर के प्रिंट हेड में धातु की पिन की संख्या 9 से 24, मिनिमम 9 मैक्सिमम 24। यदि अच्छा वाला प्रिंटर चाहिए तो 24 पिन वाला लेना पड़ेगा। इसका मतलब ऐसे आपने देखा होगा जो टिकट लेते हो ना रेलवे का, तो आपने देखा होगा, मान लो आपका नाम है तो डॉट डॉट से लिखते हैं। जैसे मान लो किसी का नाम राम है तो देखो वो ऐसे लिखेगा डॉट 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 से, है ना, देखो ऐसे वो राम ऐसे लिखेगा डॉट 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 से। समझ गए ना मेरी बात को, ये ऐसा क्यों, क्योंकि धातु पिन होता है और धातु पिन से ही वैल्यू को छापता है। तो इस तरह का जो प्रिंटर होता है डॉट मैट्रिक्स होता है, इसकी लागत कम होती है। अच्छी क्वालिटी चाहिए तो 24 पिन वाला ले लो, और कम क्वालिटी चाहिए तो 9 पिन वाला ले लो, बाकी इसमें और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं लाइन प्रिंटर, ये तीसरा प्रिंटर है लाइन, ठीक है। यह प्रिंटर आकार में सबसे बड़े कंप्यूटर के लिए प्रयोग होता है। इस प्रिंटर का प्रयोग सुपर कंप्यूटर में होता है या मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, क्योंकि इसकी गति, प्रिंटर है ना, इसकी गति ज्यादा होती है। समझ गए, तो जब लाइन प्रिंटर की बात करेगा तो लाइन प्रिंटर देखो सबसे बड़े कंप्यूटर में होगा, और बड़ा कंप्यूटर हम जान रहे हैं या तो सर्वर होगा मतलब मेन फ्रेम होगा या तो सुपर होगा। अच्छा क्यों ऐसा है, क्योंकि इस है ना ये उच्च गति का प्रिंटर होता है, इसकी गति तेज होती है। अब इसमें हम देखना चाहते हैं तो यह एक बार में एक करेक्टर छापने के बजाय है ना एक लाइन को छापता है, और लाइन प्रिंटर के छापने की गति इसे याद कर लेना 300 से 3000 LPM लाइन प्रति मिनट होता है, और ये तीन प्रकार का होता है। कंफर्म हो गया, तो इसके आगे बढ़ते हैं। अब उस तीन में देखो सबसे पहला आता है ड्रम, इसका नाम ही ड्रम है। ड्रम का मतलब यह एक बेलन से है, बेलन देखो ऐसे एक ड्रम, ठीक है ना। तो आपने कहा इस प्रिंटर का प्रयोग किसी भी प्रिंटिंग प्रेस में किया जाता है। इस प्रिंटर में तेज घूमने वाला एक ड्रम होता है और जिसकी सतह पर अक्षर उभरे होते हैं। ड्रम तेजी से घूमता है और एक घूर्णन में एक लाइन को छापता है। एक घूर्णन का मतलब एक चक्र, जब ये घूमेगा तो एक चक्र में एक लाइन को छाप देगा, ठीक है। तो प्रिंटिंग प्रेस में यूज होता है। चैन प्रिंटर, अब देखो यहाँ चैन में क्या है, एक दूसरा प्रिंटर लाइन का। इस प्रिंटर में तेज घूमने वाला एक चैन होता है और जिसे हम प्रिंट चैन कहते हैं। चैन में करेक्टर छपे होते हैं और वो लिंक से गुड, जैसे हमारी चैन होती है देखो ऐसे, ठीक है। इसमें करेक्टर देखो यहाँ रहेंगे ए बी सी ऐसे करके डी, इसका मतलब बीच में छपे होते हैं। लिंक में एक करेक्टर का फॉन्ट होता है जो हैमर की मदद से अक्षर को छापता है ना। चैन, चैन का मतलब हमारी जो कड़ियां होंगी उसके बीच में ऐसे लिंक होगा, उसी लिंक में ही हमारे करेक्टर होंगे और चैन चलता रहेगा, हैमर आके वहां पे है ना आपका हिट करता रहेगा और वो जो लिंक में कैरेक्टर वो पेपर पे छपता रहेगा। तो इस तरह की जो व्यवस्था है वो चैन प्रिंटर में है। और इसी के जस्ट रिवर्स अगर हम बात करें तो बैंड प्रिंटर होता है। इसमें चैन के स्थान पे स्टील का एक प्रिंट बैंड होता है। बैंड का मतलब ऐसे पट्टी होगी और इसमें करेक्टर लिखे होते हैं ऐसे, है ना, इस पे करेक्टर लिखे होते हैं जो हैमर की मदद से करेक्टर को छापता है। चैन प्रिंटर है ना, यह प्रिंटर चैन प्रिंटर के समान कार्य करता है। दोनों में सिर्फ अंतर क्या है, एक में प्रिंट, एक में चैन है ना। देखो दोनों में अंतर बस इतना है कि यहाँ पे देखो क्या होता है, प्रिंट चैन होता है और यहाँ पे है ना आपके लिए क्या होता है, प्रिंट बैंड होता है। तो प्रिंट चैन और प्रिंट बैंड दोनों में अंतर यही है, बाकी उसकी कार्य प्रणाली एक जैसे है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इंकजेट प्रिंटर। ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ठीक है। इस प्रिंटर का प्रयोग प्राइवेट ऑफिस में किया जाता है। यह प्रिंटर इंक की बोतल का प्रयोग करता है। इस प्रिंटर में चित्र टेक्स्ट को बनाने के लिए कागज पर इंक का छिड़काव होता है। इस प्रिंटर में इंक की ड्रॉप एक नलिका के माध्यम से छिड़काव में जाता है। इसका मतलब ये नोजल व्यवस्था है, नोजल, नोजल की व्यवस्था है ना। तो आपने कहा सर इसमें इंक की बोतल का प्रयोग होगा, पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है
कि इसमें जो आपका चित्र बनता है वो इंक के छिड़काव से बनता है। अच्छा, एक ड्रॉप नलिका के माध्यम से हम छिड़काव करते हैं। नली का जो व्यास होता है वो 0.6 माइक्रोन, बहुत छोटी सी है ना, बहुत छोटा सा एक वहां नलिका होगी जिसमें छिद्र होगा, तो छिद्र बहुत कम होगा। इस प्रिंटर में कलरिंग का प्रयोग होता है जो मोनोक्रोम कार्ट्रिज के माध्यम से अक्षर को छापता है। मोनोक्रोम का मतलब एक में वही भरा जाएगा, अगर रेड है तो रेड, कौन से तो आपने कहा सर लाल नीला पीला है ना। इंकजेट प्रिंटर अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर नहीं होता है, तो ध्यान रखना इसमें क्वालिटी का इश्यू है। आगे बढ़ते हैं, लेजर प्रिंटर, यह प्रिंटर गति में तेज होता है, ये बेस्ट प्रिंटर होता है, ये प्रिंटर अच्छी क्वालिटी का है, ये महंगा होता है, ये इंक पाउडर का प्रयोग करता है, इसमें लेजर किरण का उपयोग किया जाता है। नोट हो गया। कहीं कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछा करें। आगे बढ़े, तो सबसे अच्छा प्रिंटर लेजर माना गया, इसमें इंक पाउडर का प्रयोग होता है। ठीक है, अब इसमें देखो जो कलर था, जो कलर है, इसे कभी कभी ऐसे भी ध्यान रखना, इसमें 4 बॉटल है, एक तो ब्लैक होता है, दूसरा आपका श्यान होता है, है ना, पहला ब्लैक, दूसरा श्यान, इससे मतलब नहीं ऑर्डर से, तीसरा मैजेंडा, मैजेंटा, और चौथा होता है एलो। ठीक है, अब एलो का मतलब ये पीला होगा, ये जो मैजेंटा हमने लाल लिखा था ये लाल ना होके हल्का लाल होगा। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा ब्लू नीला, तो ये ब्लू होगा थोड़ा सा, तो ये स्टैन हो गया, एक मैजेंटा हो गया, एक येलो हो गया। तो ये थोड़ा सा हमें नॉलेज में रखना है, कभी कभी कलर ऐसे भी पूछ सकता है। चलो आगे बढ़े ना, तो जब कलर पूछे तो ऐसे बता सकते हो। लेजर प्रिंटर हो गया, इसके आगे बढ़ते हैं। लेजर प्रिंटर देखो, यह स्थैतिक इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट पर कार्य करता है। इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत बिजली के चार्ज को इंसुलेटेड वस्तु पर जाम किया जाता है ना, जैसे आपका ट्रांसफार्मर नहीं होता जिसमें हम पावर को एक जगह पर रखे रहते हैं और यहाँ से एसी डीसी या उतना पावर मेंटेन करके आगे फ्लो कराते रहते हैं ना, इसे कहा गया स्थैतिक इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट पर कार्य करता है। स्थैतिक इलेक्ट्रिसिटी को हम ऐसे कह सकते हैं कि इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत बिजली के एक चार्ज को एक इंसुलेटेड वस्तु पर जाम कर देते हैं। जैसे मान लो अभी कंघी हम सिर पे रगड़ते हैं तो पेपर के पास ले जाते हैं तो पेपर चपकने लगता है ना, तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। यह प्रिंटर पेपर इंक दोनों को आपस में कंबाइन करके करेक्टर को छापता है। देखो पेपर हो गया और इंक हो गया, और इंक क्या है, पाउडर है, तो जाहिर सी बात है अगर पाउडर है, अगर वो पाउडर है तो कैसा वस्तु, इंसुलेटेड वस्तु है। इसका मतलब यह प्रिंटर क्या कर रहा है, पेपर को और इंक को दोनों इंसुलेटेड वस्तु हैं, इस पर बिजली के चार्ज को जाम करके करेक्टर को छाप देता है, तो इसी को कहा गया स्थैतिक इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्मल प्रिंटर, थर्मल आप कहते हैं उष्मा, उष्मा आपने कहा, यह प्रिंटर हीट कॉन्सेप्ट पर कार्य करता है। ये इंक का प्रयोग इसमें नहीं होता है, ध्यान रखना, ये इंकलेस प्रिंटर होता है। यह प्रिंटर थर्मोक्रोनिकल पेपर, एक पेपर होता है, इसकी मदद से अक्षर को छापता है। इस प्रिंटर से प्रिंट किए गए करेक्टर कुछ दिनों के बाद गायब हो जाते हैं। इसका एक ड्रॉबैक है कि कुछ दिन के बाद गायब, जैसे बस वगैरह का ट्रेवल करते हो तो आप वहां एटीएम का बिल निकालते हो तो वहां, तो इस प्रिंटर का प्रयोग 24/7 प्लेस पर होता है, जैसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, मॉल में, पीओएस में, ट्रांसपोर्ट में, इलेक्ट्रिसिटी में, है ना, एटीएम मशीन में, इन सब प्लेस पर हम यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि हमें इनकी रसीद को बहुत दिन रखने की आवश्यकता नहीं होती है, हम यूज करते हैं थ्रो करते हैं, यूज करते हैं थ्रो करते हैं। वो लोग कंफर्म हो गया, आगे बढ़े। चलिए आता है नोट, इंपैक्ट प्रिंटर का मात्रक सीपीएस होता है, इसे याद कर लो, करेक्टर पर सेकेंड। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का मात्रक पीपीएम होता है, पेज पर मिनट।
लाइन प्रिंटर का मात्रक एलपीएम होता है, लाइन पर मिनट। तो ये तीनों मात्रक याद कर लेना, ये पेपर में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रोजेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रोजेक्टर क्या है? तो प्रोजेक्टर के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो ये आउटपुट डिवाइस होता है, जीयूआई डिवाइस होता है, रेजोल्यूशन को लार्ज करता है, किसी भी इमेज या स्क्रीन को बड़ा करता है। प्रोजेक्टर का प्रयोग सेमिनार या स्मार्ट क्लास में होता है। जैसे आप पिक्चर हॉल में जाते हो, पिक्चर हॉल, तो जब पिक्चर हॉल में आप जाते हो तो आप देख रहे हो प्रोजेक्टर की मदद से हम इमेज को बड़ा कर लेते हैं। तो कोई भी इमेज बड़ा कैसे होगा, जब उसके है ना, जब उसके रेजोल्यूशन को बड़ा किया जाएगा। रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना, प्रोजेक्टर कुछ नहीं करता है, बस इतना ध्यान रखो कि प्रोजेक्टर किसी भी इमेज या स्क्रीन के रेजोल्यूशन को बड़ा कर देता है, और उसके बड़ा करने से इमेज हमारी बड़ी हो जाती है और हम उसे सेमिनार में या किसी स्मार्ट क्लास में या किसी भी प्रोजेक्टर है ना या किसी भी पिक्चर हॉल में देख सकते हैं या यूज कर सकते हैं, आउटपुट डिवाइस है। चलिए प्लॉटर के बारे में बात करते हैं। प्लॉटर क्या होता है? तो आपने कहा सर यह आउटपुट डिवाइस होता है, जीयूआई डिवाइस होता है, ये बड़े पिक्चर या बैनर या पोस्टर होल्डिंग को प्रिंट करता है। यह ऑफसेट प्रिंटर कहलाता है क्योंकि आकार में बड़ा है और एक ही स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जैसे आजकल आप बैनर बनवाते हैं, तो बैनर अगर आपने बनवाए होंगे तो आपने देखा होगा कि एक बड़ा सा प्रिंटर होता है, उसकी मदद से हम बड़े बड़े बैनर को निकालते हैं। यही आपका क्या कहलाता है? आपका प्लॉटर कहलाता है, कंफर्म। चलिए कियोस्क क्या होता है? कियोस्क, कियोस्क का मतलब होता है की प्लस आस्क। कियोस्क हम लोग कहते हैं की प्लस आस्क के नाम से जाना जाता है। यह प्रीडिफाइंड स्क्रीन के नाम से जाना जाता है। इसका पब्लिक प्लेस पर मैसेज को कन्वे करने के लिए किया जाता है। कियोस्क का प्रयोग ट्रैफिक मॉनिटर, एटीएम या ट्रांसपोर्ट में हम लोग करते हैं। जैसे एटीएम मशीन है तो हम जाते हैं तो उसका मॉनिटर कियोस्क है, जो कहता है की प्लस आस्क, जो पूछेगा वही लिखना। अगर उसने कहा इंटर योर है ना पिन कोड, तो आपको इंटर योर पिन कोड मेंशन करना होगा। कंफर्म हो गया? तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में होना चाहिए, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। एक बार रिवीजन थोड़ा सा देख लो, फिर हम और आगे बढ़ा रहे हैं, टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए एक बार इसको देख लीजिएगा, अगर कोई डाउट हो तो बताइए मुझे। आगे बढ़ा जाए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े।
चलिए यहां तक हो गया, आइए आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक को। देखिएगा, आइए इस टॉपिक को, हार्डवेयर को कंप्लीट कर लेते हैं। चलो बोर्ड पर देखना, अब हम लोग टॉपिक में आते हैं रेजोल्यूशन पर, है ना। जैसे अभी मैंने कहा रेजोल्यूशन क्या होता है, तो आइए इसको समझ लेते हैं। देखो रेजोल्यूशन किसे कहते हो, आपने कहा किसी भी इमेज की क्वालिटी को परिभाषित करता है कौन, रेजोल्यूशन। किसी भी स्क्रीन के पर यूनिट एरिया पर टोटल पिक्सल की संख्या रेजोल्यूशन कहलाता है। जैसे मान लो हम किसी भी इमेज की एक क्षमता होती है कि कितने पिक्सल की क्लियरिटी उसमें बनेगी, या आप कह सकते हो कि किसी भी स्क्रीन के पर यूनिट एरिया पर टोटल पिक्सल की संख्या रेजोल्यूशन कहलाता है। रेजोल्यूशन का मान अगर आप बढ़ा दोगे तो इमेज की क्वालिटी बढ़ जाएगी। तो रेजोल्यूशन को हम इस तरह से कुछ कह सकते हैं, जैसे 4K स्क्रीन है तो इसका रेजोल्यूशन ज्यादा होगा, HD है तो इसका रेजोल्यूशन कम होगा, फुल HD है तो इसका रेजोल्यूशन ज्यादा होगा। तो ये थोड़ा सा दिमाग में आपको रखना है, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, DPI क्या होता है, तो DPI का पूरा नाम है डॉट पर इंचेस, इसे हम लोग कहते हैं, ये रेजोल्यूशन का मात्रक है। अगर रेजोल्यूशन के मात्रक को मेजर करना है तो हम DPI से करते हैं, डॉट पर इंचेस से करते हैं, हो जाएगा। चलो हाउ टू मेजर स्क्रीन, हम किसी इमेज को कैसे मेजर करते हैं, तो किसी भी स्क्रीन को मेजर करने के लिए हम डायगोनल, है ना, मेजर करते हैं जिसे DPI में काउंट किया जाए। जैसे मान लो स्क्रीन है और लिखा गया है 15 इंच की स्क्रीन है, तो अगर 15 इंच की स्क्रीन होगी तो हम इसको मेजर करेंगे बिकर्ड को, और यही बिकर्ड हमारा क्या है, डायगोनल है। तो थोड़ा सा एग्जाम के लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, प्रोसेस साइकिल कंप्यूटर का क्या है, पीछे हम पढ़ चुके हैं IPOS, पहले इनपुट होगा, फिर प्रोसेस होगा, देन आउटपुट आएगा, देन स्टोरेज होगा। इस चीज को दिमाग में रख लेना, अच्छा पॉइंट है। बोलो आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, प्रोसेस साइकिल ऑफ CPU, CPU का प्रोसेस साइकिल क्या है, तो वो FDE होता है, जिसे कहते हैं फेच करना, डिकोड करना, एग्जीक्यूट। फेच का मतलब निकालना, बदलना, चलाना, है ना। तो ध्यान रखना फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट। नेक्स्ट CUI का पूरा नाम क्या है, तो कमांड यूजर इंटरफेस होता है। हार्डवेयर में इसका उदाहरण कीबोर्ड, स्कैनर, कैमरा है। सॉफ्टवेयर में इसका उदाहरण WWW, MS DOS, MS विंडोज है। अरे MS विंडोज कैसे हो जाएगा, CUI है ना, एक गलत हो गया, MS DOS है और PC DOS है। तो आपने कहा WWW, MS DOS और PC DOS, कंफर्म। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट पॉइंट होगा GUI का पूरा नाम, तो हमें पता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका हार्डवेयर एग्जांपल, सॉफ्टवेयर एग्जांपल, हार्डवेयर में माउस, लाइट पेंट, टचपैड, सॉफ्टवेयर में फायरफॉक्स, विंडोज, एमएस पेंट। तो ये सारी चीजें हमने आपको पढ़ा भी दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रिफ्रेश रेट क्या होता है, तो एक सेकेंड में डिस्प्ले के पैनल कितनी बार डाटा रिफ्रेश करते हैं उसे रिफ्रेश रेट कहते हैं। मान लीजिए एक फोन है जिसके डिस्प्ले का पैनल एक सेकेंड में 60 बार क्या कर रहा है, डाटा रिफ्रेश कर रहा है, तो ये 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट बोलेंगे। और अगर दूसरा 90 में कर रहा है तो इसे 90, है ना, हर्ट्ज रिफ्रेश रेट बोलेंगे। बाकी थैंक्स, है ना, इसका मतलब हम लोगों ने हार्डवेयर कंप्लीट कर लिया। तो हमने आपको 3 चैप्टर पढ़ा दिया है, एक इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया, दूसरा हमने सॉफ्टवेयर पढ़ा दिया, और तीसरा हमने हार्डवेयर पढ़ा दिया। अब कल की क्लास में 4th नंबर पे हम लोग मेमोरी पढ़ेंगे, ठीक है। मेमोरी हम एक लेक्चर में ही पढ़ाएंगे, 1 आवर, ठीक है। अब ध्यान रखना 10:30 से लेके 12:30, जिसमें 1 घंटे आपका MCQ और 1 घंटे आपका थ्योरी,
आवश्यकता पड़ने पे इसको और बढ़ाया जाएगा। तो ये हम लोगों का रहेगा ऐप पर, और ये ऐप पे जाएगा कल किस ऐप पर, विजयी भाव। तो जो बच्चे ऐप से नहीं जुड़े हैं वो विजयी भाव ऐप पे जाएं, वहां पे सिक्वेंस से सारे लेक्चर मिलेंगे। अदरवाइज हमें दिक्कत हो सकती है, कोई लेक्चर हमें ना मिले, रिविजन ना मिले, पब्लिक वीडियो ना मिले, तो आप अगर ऐप पे रहेंगे तो चीजें आपको प्रॉपर में मिलती रहेंगी। ओके, थैंक यू। Thank you.